कोरोना के कहर के बावजूद साउथ सिने जगत में बाहर लौटने लगी है। अब बारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गुलजार होने की है, जिसके लिए सभी की आंखें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई पर टिकी हुई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने वाले ईद के मौके पर रिलीज करने की तैयारी में है। फिल्म प्रोड्यूसर पहले ही मेगा ऐलान कर चुके हैं कि ये फिल्म 13 मई के दिन ही रिलीज होगी। इसी बीच देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने दोबारा से बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद एक एक करके फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टाल रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि क्या सलमान खान स्टारर फिल्म राधे तय वक्त पर रिलीज होगी। इससे पहले खुद सलमान खान भी एक इवेंट में इशारा दे चुके थे कि अगर इस ईद नहीं तो अगली ईद फिल्म राधे जरूर रिलीज होगी। इससे भाईजान के चाहने वाले लाखों फैंस को करारा झटका लगा। सलमान खान के इस बयान से कयास लगने लगा कि उनकी ये मच अवेटेड फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान का इशारा इस ईद नहीं तो अगली ईद यानी जुलाई में पड़ने वाली बकरीद की ओर था। रिपोर्ट्स ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर वो इस ईद का मौका गंवा देते हैं तो राधे की अगली रिलीज डेट जुलाई 2021 की बकरीद वीकेंड होगी। सलमान खान का बिल्कुल यही मतलब था। जब उन्होंने कहा ये ईद नहीं तो अगली ईद पर जरूर आएंगे, तो उनके कहने का मतलब यही था कि प्रोड्यूसर्स के पास ये ऑप्शन भी खुला है। काफी प्लान बर्बाद हो चुकी है, ये 16 जुलाई को भी रिलीज हो सकती है लंबे वीकेंड का फायदा उठाने के लिए, या बकरीद के बीच हफ्ते में रिलीज हो सकती है फिल्म। अभी एकदम पक्की तारीख को लेकर फैसला नहीं हुआ, हाँ मगर वो बकरीद वीकेंड पर जरूर विचार कर रहे हैं। इसी बीच रिपोर्ट ने यह भी पक्का किया कि सलमान खान की ये फिल्म OTT रिलीज नहीं होगी। उन्होंने कहा OTT रिलीज को लेकर अभी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। सलमान खान ने एग्जीबिटर से वादा किया ये फिल्म OTT पर तभी रिलीज होगी जब थिएटर्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी। इसका थिएटर पर रिलीज होना कन्फर्म है और आफ्टर दैट कहीं हम इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की सोचेंगे। वेल दोस्तों, ये तो सच में बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि हम सभी वेट कर रहे थे कि फिल्म कब रिलीज होगी, और जब सलमान खान ने कहा कि इस ईद नहीं तो अगली ईद, तो हमें लग रहा था कि हाँ 2022 की ईद के मौके पर सलमान खान अपनी इस फिल्म को रिलीज करेंगे। किसी ने गैस नहीं किया था कि हाँ बकरीद के मौके पर भी सलमान खान और प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। वेल, कैसा ये एक्साइटिंग अपडेट राधे से, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच।